जो मैंने अमेजिंग रोड की बात करी थी ये स्टार्ट हो चुका है और देख पा रहे हो पूरा ऑफ रोड है और मैं खुद भी यार बहुत साल बाद आ रहा हूँ, बहुत टाइम बाद, जब हम मे बी प्लस वन में थे या फिर कॉलेज फर्स्ट ईयर में था एक बार तब आया था, तो अभी तो बहुत साल हो गए मेरे को भी। तो देखते हैं क्या क्या तब से अब तक चेंजेस आए हैं यहाँ पे। और सबसे पहला चेंज तो ये बोर्ड लगा दिया है, वेलकम टू पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुगलाड़ा गेट। तो एडवेंचर तो हमारा यहीं पे हो गया था, चढ़ाने लगे थे, रास्ता नहीं है और बाइक वापस मुड़ नहीं रही थी क्योंकि स्लिपरी बहुत ज़्यादा है, तो उतर के थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ा, बट काम बन गया बिकॉज ध्यान नहीं दिया, इधर से रास्ता बंद है और इधर से लोग जा रहे हैं। तो ये कैसे, ये क्या पेड़ है यार, क्या जगह जगह लगाए हुए, बांस की खेती है शायद। अबे यार बज रहे हैं मुँह पे, देखे एडवेंचर स्टार्ट हो गया, पहले ही फंस गई बाइक। एक तो भारी इतना है, पीछे नहीं खिंचाया था, ऊपर से लगेज लोड है। तो फाइनली गाइस आप सामने अगर देख पा रहे हो तो हम पहुंच चुके हैं पेंगोंग लेक, ऑफ रोड क्रॉस करके लद्दाख का। अरे भाई भाई स्लिप होता है, मजाक अच्छा लगा ना। तो यार सच्ची में कुछ वैसा ही व्यू है, ये कुछ हमारे आसपास का व्यू है इस टाइम, देखो गाइस। तो इस तरह का व्यू आ रहा है और थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रख के चलाना पड़ रहा है बिकॉज नीचे पत्थर है और रेत है, जब रेत आता है तो एकदम से बैलेंस चला जाता है बाइक का। फर्स्ट व्यू ऑफ बाथू की लड़ी, अमेजिंग व्यू गाइस, सही में यार मजा आ गया देख के। मतलब जितना लाइफ में होता है यार, कोई अमेजिंग व्यू लेना है ना तुम लोगों ने तो तुम्हें ऑफ रोड चलाना ही पड़ेगा, तो वहीं जाके तुम्हें ऐसे व्यू मिलते हैं। और सही में यार एक साइड लेक का व्यू है, पीछे देखो पूरा ग्रीन गार्डन, पीछे बड़े बड़े पहाड़ और ये सामने लड़ी, इतना अमेजिंग व्यू आ रहा है। मेरे को याद है हम छोटे होते थे तो यहाँ पे आते थे, पैदल आते थे, जितना रास्ता मैं बाइक पे कवर किया है, और आज तो बन गया। और यार भीड़ देखो भाई साहब, ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम वही प्लेस आए हैं। मैं कहा जदों असं छोटे होंगे आते थे उदों इन्नी भीड़ नहीं ना होंगी, कभी गिने चुने तीन चार लोग साढ़े तो अलावा कोई होर आया होंगे सी, बस अज मेला लगा देखो, टेंट देखो टेंट ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਮੁਰਕਿਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮੰਦਿਰ, ਪਹਿਲੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਥਾ। ਔਰ ਯੇ ਇਸਕੀ ਹਾਈਟ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਆਪਕੋ ਪਾਸ ਸੇ, ਯੇ ਮੰਦਿਰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਅਭੀ ਸੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਰ ਆਪ ਤੋ ਯੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਹੋਗਾ, ਯੇ ਜੋ ਡੈਮ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ ਯੇ ਪੂਰੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਡੈਮ ਕਾ ਵੀ ਆਪਕੋ ਵਿਊ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਚਲਤੇ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਅੰਦਰ और वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बुलेट राइड विद गोल्डी। सही लग रहा हूँ, हाँ सही लग रहा हूँ। तो चलो चलते हैं अभी मंदिर के अंदर, दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू। वो बेचारे ने अंदर बिठाया है, चलो चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको व्यू दिखाते हैं अंदर का। और ये बाहर मार्केट लगी हुई है सारी, पहले ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे जब मैं आता था, अब तो ऐसा लग रहा है कि कुछ
ऐसी चीज़ है ही नहीं जो यहाँ नहीं मिल रही। तो कुछ इस तरह का रेनोवेशन एवोल्यूशन हाँ इस तरह का कुछ एवोल्यूशन हो चुका है। यहाँ से धूप आ रही है और यार आसमान दिखाता हूँ आपको एक बार, क्या व्यू है ना यार। तो ये कुछ ऐसा दिखता है मंदिर, और वो जो सामने आप लड़ी देख रहे हो सीधी, ये बोला जाता है कि पांडवों के टाइम पे जब बनाया था तो ये लड़ी सीधा स्वर्ग तक जाती थी और 2.5 सीढ़ियाँ रह गई थी और तब ये टूट गई थी, नहीं तो ये स्वर्ग तक जाने का रास्ता होता। और अभी इन्होंने रास्ता बंद कर दिया, पहले ऊपर तक जाते थे। और मैं पुरानी फ़ोटो अगर मिली तो शेयर करूँगा आपके साथ, जिसमें मैं इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ, और मेरी कॉलेज टाइम की होगी वो सामने जा रही है जो। और ये यहाँ पर मेन गर्भगृह लिखा है, इसमें भी मंदिर में चढ़ावा ना चढ़ाए। वो जो सामने बना है ना वो स्वर्ग को जाता रास्ता। ये बाकी मंदिर बनाया है पांडवों ने, मेन गेट उधर एंटर करना, हाँ उधर से एंट्री मेन गेट की। तो यहाँ पे गाइस पंजाबी गाने भी काफ़ी शूट हुए, काफ़ी सॉन्ग शूट होते थे यहाँ पे, और काफ़ी एड्स वगैरह भी बनी है। तो व्यू यार सही में बहुत अमेजिंग है, मतलब मेरा ऐसे है कि वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा, बस मन कर रहा है कि सिर्फ देखते जाओ। और एक्सप्लोर करने को इतना कुछ है ना, मैं सारे व्यूज़ आपको दिखाऊंगा सिनेमैटिक में भी। कैसा रहा? बहुत अच्छा है। सही है ना? मम्मी किद्दा लग्या मंदिर? मन तो अच्छा ही लग गया, मेरा तो बचपन ही इधर गुजरा है। हां ते पहला दा एक्सपीरियंस दसो की हुंदा सी पहला इत्थे? की हुंदा सी मतलब की हुंदा सी पहला लोग आंदे सी इन्ने? थोड़े आंदे सी। हैं थोड़े लोग आंदे सी, हुण तां मेला ही लग्या पिया। दूर दूर तक पता लग गया मंदिर बारे, फोटोग्राफीज हो रही है हर जगह, और हम भी फोटोग्राफीज करते हैं और मिलते हैं आपको। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर का मेन गेट जहाँ से एंट्री है, टूट गया हुआ अभी। सही भी हो ना बार, बढ़ो मैडम बढ़ते चलो। तो ये हमने गेट क्रॉस किया है मेन गेट, और उसके बाहर का व्यू मैं दिखाता हूँ यार, ये देखो सही व्यू आ रहा है ना, क्या व्यू आ रहा है यार, सागर झूम रहा है देखो, सागर उड़ रहा है। डाइव मार, मिलेगा नहीं दोबारा, इतना डूंगा पानी है। ओ हो ये कुआं है इसके पास, ये भी दिखाते हैं भरा हुआ है ये भी। क्या व्यू है यार। और ये मैंने आपको दिखाया था एंट्री गेट, और ये सारा टेंपल है। अगर आप एक दो महीने बाद आते हो ये सारा पानी में मिलेगा आपको। चल अभी सागर से पूरा और डोर जाए। चार गेम ऑफ थ्रोन्स, गेम ऑफ स्टोन्स, गेम ऑफ स्टोन्स, दिस इज गेम ऑफ स्टोन्स। देखते कितने पड़ते, पांच का तुम चला।
और यहाँ फोटो शूट होते हुए और ये हमारे फोटोग्राफर हमारे ब्लॉगर साहब। मेरी बोतल कितने गई धोनी भी है मैं पता नहीं तुझे की पीछे देख तू देख रहे हो किन्नी कितनी है नहीं नहीं मैं नहीं देख रहा मैं सीख रहा हूं फोटोग्राफी कितना फोटो देख रहा है चल डोर जा मेरी फोटो खींच। तो ये मंदिर के साइड से व्यू है और यहाँ पे अभी मैंने देखा एक डोर है और अंदर चलते हैं देखते हैं ये डोर कहाँ जाता है। हेलो हेलो ओ ओ गिर गया बैक साइड को जा रहा है ना ये। हाँ जी आ रहे हैं अच्छा सॉरी शूज पहन के घुस गए। तो अभी हम घुस रहे हैं सही रास्ते से पहले हम गलत घुस गए थे और शूज पहने हुए थे हमने। तो ये मेन गेट है शायद उठा दी हुई यहाँ से। और ये ऊपर से गुंबद पता नहीं दिख रहा है अंधेरे में या नहीं। तो ये था मंदिर का फ्रंट का रास्ता। अभी हम जाएंगे परिक्रमा करने। ये दो यात्री यहाँ बैठे हैं थके हुए। थक गए खाना खिलाओ मैं खाना खिलाओ या चिज्जी खिलाओ रोटी खानी है रोटी नहीं खानी चिज्जी खानी है। तो ये अभी हम परिक्रमा करेंगे और ये यहाँ से मैं घुस गया था। मैंने सोचा पता नहीं कहाँ जाता है ये रास्ता लेकिन शूज़ पहन के घुस गया था तो वापस रास्ता लिया दूसरा। अब ये परिक्रमा है ये बैक साइड का गेट है और ये बने हैं टोटल चार द्वार। एक द्वार यहाँ पे है एक फ्रंट से एंट्री है। काफ़ी खुला और हवादार मंदिर बनाया है। So, ये था मेन गेट। यहाँ पे हम गए थे मंदिर में। ये है मंदिर और ये बाहर नंदी जी विराजमान। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਮੈਡਮ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਪਕੌੜੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੈ ਖਾਓ ਫਿਰ ਪਕੌੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਛਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੜ 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 ਖਾਣਾ ਇਹ ਲੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਅੰਕਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ कहाँ से अंकल आप जवाली से है धन से किधर जवाली से जवाली अच्छा जवाली मेन नहीं धन चौक धनी से अच्छा धनी जिथे आप रुके नहीं से ये लच्छे डाले अंकल ने ये क्या गुंद कतीरा ना गुंद कतीरा ये रूह अफ़ज़ा चलो ये गर्मियों में बढ़िया फ्लेवर आएगा। चल सागर ये अपना रेडी हो रहा है।
आ चुका है अपना भी खाते है। तो गाइज अलविदा कहते हैं बाथू की लड़ी, ये लास्ट बार आप देख लो, दर्शन कर लो। तो अभी हम निकलने वाले हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉप होने वाला है वो है हमारी नानी का घर, जो कि यहाँ से है कुछ 8 से 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के करीब होगा, बिकॉज़ ये बहुत दूर था, मुझे लगा एक्चुअली बहुत टाइम बाद आया। तो गाइस होप करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को पहले देख सकें, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग बुलेट राइड विद गोल्डी।